नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सेबरटूथ टाइगर और शॉर्ट फेस्ड बियर के बीच लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? वैसे तो सेबरटूथ टाइगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ में रहते थे और शॉर्ट फेस्ड बियर नॉर्थ अमेरिका में रहते थे। दोनों का नॉर्थ अमेरिका में रहने की वजह इनका अम्मा सांबा देखना आसान है। वैसे तो ये दोनों ही हमारी इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं, जहाँ सेबरटूथ टाइगर 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुका है, वही शॉर्ट फेस्ड बियर 11,000 साल पहले विलुप्त हो चुका है। दोस्तों, सेबरटूथ टाइगर को स्माइलोडोन के नाम से भी जाना जाता है। स्माइलोडोन की 3 प्रजातियाँ इस धरती पर मौजूद थी, जिनमें से स्माइलोडोन पॉपुलेटर सबसे बड़ा था। तो हम स्माइलोडोन पॉपुलेटर को शॉर्ट फेस्ड बियर के साथ वर्सेस करते हैं। दोस्तों स्माइलोडोन पॉपुलेटर की हाइट 2.8 मीटर तक थी, इनके शोल्डर तक की हाइट 1.3 मीटर तक थी और इनका वेट 500 किलोग्राम तक था और इनका बाइट फोर्स भी 350 PSI था। इनकी स्पीड 60 किलोमीटर थी और इनके दांत 12 इंच तक बड़े होते थे। इनके पंजे 4 इंच तक बड़े होते थे और इनके पंजे 7.2 इंच सेंटीमीटर तक बड़े होते थे। इनके कैनाइन 28 सेंटीमीटर तक बड़े होते थे। इनके पंजे की ताकत 9% थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शॉर्ट फेस बियर की। दोस्तों, वैसे सेबरटूथ टाइगर काफ़ी ताकतवर तो होते हैं, पर आप शॉर्ट फेस्ड बियर को कमज़ोर समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इनका वेट 1300 किलोग्राम तक होता है और इनकी लेंथ भी 4 मीटर तक होती है। इनके पंजे की ताकत 17% होती है, वही इनके पैरों की ताकत 7% होती है। इनका बाइट फोर्स भी सेबरटूथ टाइगर से ज़्यादा होता है और इनके शरीर की बनावट 94% तक मजबूत होती है। वही सेबरटूथ टाइगर के शरीर की बनावट 94% तक मजबूत होती है और शॉर्ट फेस्ड बियर की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति आवर होती है। इनके शोल्डर तक की हाइट 1.2 मीटर तक होती है और ये भालुओं की प्रजाति में सबसे बड़ा भालू होता है। वैसे तो ये जंगली भैंस का शिकार करता है। वैसे तो दोनों का आमना सामना हो सकता है, लेकिन उसमें अगर शॉर्ट फेस्ट ने सेबरटूथ पर एक भी पंजा मार दिया तो सेबरटूथ का खेल ख़त्म ही समझिए। तो ये सारी बात जानने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कौन जीतेगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने, विनर होगा शॉर्ट फेस्ट बियर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर और हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं। बाय बाय।